नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 10 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है और बात करेंगे कि क्या हिंदुत्व पर चोट से महाराष्ट्र में मिलेंगे वोट। आपको याद होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व की डोर से बंधे हुए हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का ये बयान शरद पवार को रास नहीं आ रहा है। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा है कि हिंदुत्व का विचार देश के लिए खतरा है। पवार का कहना है कि बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व की बात कर रहे हैं लेकिन हिंदुत्व का विचार देश के लिए ठीक नहीं। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद घमासान मचा हुआ। एक तरफ संजय निरुपम नाराज, उस तरफ अशोक तंवर ने किस तरह से खुलकर मोर्चा खोल दिया कांग्रेस के खिलाफ, ये आपने देखा। इस्तीफों का दौर चल रहा है लेकिन इन सबसे बेपरवाह राहुल गांधी विदेश में। जाहिर है चुनाव सामने है, राहुल गांधी बैंकॉक में है तो कांग्रेस पर सवाल उठेंगे और इसीलिए आज की बड़ी बहस में सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व पर चोट से महाराष्ट्र में मिलेंगे वो। हिंदुत्व पर प्रहार से महाराष्ट्र में बेड़ा पार होगा या बंटाधार हो जाएगा। राहुल के अपनों ने क्या कांग्रेस मुक्त भारत की साजिश रची है जैसा कि आरोप निरुपम और तंवर ने लगाया है। कांग्रेस का परिवारवाद महाराष्ट्र में क्या डुबाएगा पार्टी को। हरियाणा और महाराष्ट्र के रण से राहुल की क्या छुट्टी हो गई। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं आपको बता देते हैं। एनसीपी से डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगांव को हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना से चिंटू शेख हमारे साथ हैं, अब्दुल रजाक खान अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से श्वेता शालिनी हमारे साथ जुड़ रही है। डॉक्टर सीमा मलिक, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आप एनसीपी से हैं। कुछ दिनों पहले शरद पवार साहब को पाकिस्तान के शासक प्रशासक अच्छे लग रहे थे, कल्याणकारी लग रहे थे। आज जब बीजेपी शिवसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो शरद पवार कहते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा देश के लिए खतरनाक है। कांग्रेस एनसीपी की बात करें तो छोड़ छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के नेता बीजेपी शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले हरिभाव ने पार्टी छोड़ दी, उससे पहले कृपा शंकर सिंह ने पार्टी छोड़ दी। एनसीपी को पिंपरी चिंचवाड़ में कैंडिडेट नहीं मिल रहे, लेकिन सारी समस्या शरद पवार को हिंदुत्व में क्यों नजर आ रही। देखिए सर, मैं आपको आपने पूछा है तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। आपने मेरे से तीन बातें पूछी हैं। पहले आपने मेरे को ये बोला कि पाकिस्तान प्रेम के बारे में बोला, तो वो आप ये बात हर बार हजार बार हो चुकी है कि बहुत ही मिसकोट किया गया था पवार साहब को। उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी कि लोगों के लोग कहीं के भी खराब नहीं होते हैं ना, सिर्फ ये सेना और ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनको भड़काते हैं और उनको इस तरह की चीजें सिखाते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको कि आपने एक पाकिस्तान प्रेम और ये करके बात कर दी। रही ये हिंदुत्व वाली बात, तो आपका ये जिस हेडलाइंस बनाने में तो आप लोग मास्टर हो सर, आप किसी भी चीज को डिस्टॉर्ट करके किसी भी तरह पेश करोगे। अगर पूरा बयान शुरुआत करी हमने, पूरा बयान शरद पवार का सुनवाया है हमारी, अगर आपको फिर भी लग रहा है कोई चीज डिस्टॉर्ट की गई है तो आप फिर सफाई दे। मैं आपको बता रही हूँ, नहीं देखिए मैं बता रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी कि ये जो हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं और किसी भी एक रिलीजन के ऊपर अगर हम फोकस करना हमारे लिए ठीक नहीं है, ऑल द रिलीजन्स नीड टू बी रिस्पेक्टेड। तो क्या गलत बोला उन्होंने, क्या हमें हमारी सीमा मलिक जी, अगर बीजेपी शिवसेना फोकस कर रहे हैं हिंदुत्व पर तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है किसी रिलीजन पर फोकस करना गलत है तब तो अच्छा है, आपके विरोधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो हार जाएंगे वो चुनाव में, जनता उनको जवाब दे देगी। मुझे तो लगता है कांग्रेस एनसीपी ये सवाल उठाती है कि आप हिंदुत्व करते हैं, महाराष्ट्र के मुद्दे नहीं उठाते। एनसीपी के पास तो मौका है वो लोगों के मुद्दे उठाए, बीजेपी शिवसेना क्या कर रही है उसमें दिलचस्पी ज्यादा लगती है। आप मुझे बोलने दीजिए सर, बोलिए। देखिए मेन बात ये है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद हम वहां पर कुछ वो जो उनका एक अलायंस हो रहा है वो शायद महाराष्ट्र के लोगों के हित के लिए हो रहा होगा और शायद वो उसमें ये बताएंगे कि किस तरह से वो महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे, किस तरह से वहां से विकास करेंगे और किस तरह से जो आर्थिक आज जो हमारी जो समस्याएं हैं वहां की, जिस तरह से हमारा जीडीपी गिर रहा है उसको कैसे वो ठीक करेंगे, किस तरह से वो किसानों के आत्महत्याओं को रोकेंगे। पर उन्होंने बोला कि हमारे बीच में एक खाली एक डोर जो है वो हिंदुत्व की है, तो वो चीज हमको बड़ी अजीब लगी। तो सीमा जी, हिंदुत्व की डोर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रियल इशू हिंदुत्व अगर किन्हीं दो पार्टियों को जोड़ रहा है तो उसमें समस्या होनी चाहिए क्या? किसी अगर कोई अलायंस है, हम इस देश में हिंदुत्व से लोगों को डर लगता है क्या, कोई तकलीफ है क्या हिंदुत्व से? यही बात आपको कही कि हर देखिए किसी को तकलीफ, देखिए हम लोग खुद हिंदू हैं, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़े बिना घर से बाहर नहीं निकलती।
मेरे घर में भी खुलासा है, नहीं मुझे किसी भी धर्म से कोई नहीं है, बस हम ये कहना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है, ठीक है सीमा जी आपने अपनी बात रखी, अब मैं श्वेता शालिनी के पास जा रहा हूँ। श्वेता शालिनी, बराबर फोकस होना चाहिए। अगर हिंदुत्व दो पार्टियों को जोड़ता है तो उसमें समस्या कहाँ है? अगर बीजेपी शिवसेना किसी एक रिलीजन पर फोकस कर रहे हैं, एनसीपी को ऐसा लगता है, तब तो अच्छी बात है, फिर तो बीजेपी शिवसेना को जनता सबक सिखा देगी। लेकिन चुनाव आते ही ये हिंदुत्व वाली समस्या कहां से खड़ी हो जाती है? हिंदुत्व किनको पसंद नहीं है? हिंदुत्व से कोई एलर्जी है क्या? देखिए विशाल जी, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या कहा, ये कहा कि हमारी विचारधारा एक है और दोनों पार्टी को एक विचारधारा जोड़ती है जो कि हिंदुत्व की विचारधारा है। अब ये बताइए कि महाराष्ट्र के आराध्य देव शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने हिंदुत्व की बात उन्होंने रखी और हम उन्हें मानते हैं, इसीलिए हिंदुत्व को मानते हैं और हाँ हम जुड़े हुए हैं हिंदुत्व से, इसमें क्या शर्म की बात है? शरद पवार जी एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, लेकिन आप बताइए, और हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं आज से नहीं, आप पाकिस्तान ने हमारे साथ पुलवामा जैसा धोखा किया उस पाकिस्तान के बारे में वो प्रशंसा करते हैं, 370 का जब कानून ना पास होना होता है तब उसके अगेंस्ट खड़े रहते हैं, ऐसे पार्टी को जनता अवश्य सबक सिखाएगी और कहीं ना कहीं ये बात खुलकर इस चुनाव में सामने आएगी। जब जनता, आज अष्टमी का दिन है और मैं मां स्वरूप प्रार्थना करती हूं कि आज जनता सुन रही है कि ये पार्टी क्या सोचती है। सीमा जी ने अभी साफ साफ अपने विचार व्यक्त किए हैं और हम बताएंगे कि 20 से ज्यादा सीटें इनको नहीं आएंगी, आपस में इनके परिवारों में ऐसे ही झगड़ा चल रहा है, कार्यकर्ता इनसे नाराज है, पूरा महाराष्ट्र आज इस चुनाव में बताना चाहेगा इनको। आपके परिवार में झगड़ा नहीं है मैडम, आपके परिवार में झगड़ा नहीं है। तभी तो सीमा जी, तभी तो सीमा जी, हमें तो लग रहा था कि अब बीजेपी शिवसेना पर निशाना साधेंगी मुद्दों के जरिए। सीमा जी, तभी तो लोगों को लग रहा था कि अब बीजेपी शिवसेना पर निशाना साधेंगी तो मुद्दों के जरिए साधेंगी। कांग्रेस एनसीपी बोलती है कि महाराष्ट्र के मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा है, महाराष्ट्र के विकास की बात नहीं की जा रही है, तो जनता आपसे उम्मीद कर रही थी कि विकास का खाका आप खींच कर दिखाएंगे लोगों को, आप तो हिंदुत्व हिंदुत्व करने लग गए। बात नहीं करते आप, खाली एक रिलीजन के ऊपर फोकस करके आप। तो मैडम सवाल किसने पूछा ही करना चाहते हैं? शरद पवार ने कहा ना कि हिंदुत्व का एजेंडा नहीं होना चाहिए, मैं तो आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप मुद्दे उठाएंगे महाराष्ट्र के। शरद पवार तो हिंदुत्व की बात करने लग गए, लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, रियल इश्यूज पे बात करिए सर। रियल इश्यूज पर शरद पवार क्यों बात नहीं कर रहे? सवाल तो यही पूछ रही है जनता, क्या खाका पेश करा है एनसीपी ने महाराष्ट्र के लोगों के सामने विकास का, तो या फिर वो हिंदुत्व से डरे हुए? अगर हर जगह जा रहे हैं तो चलिए ठीक है। अब्दुल रजाक खान, अगर बीजेपी शिवसेना हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं तो क्या इससे किसी को तकलीफ होनी चाहिए? और वो पार्टियां जो कहती हैं कि आप महाराष्ट्र के असल मुद्दे नहीं उठाते, उनके पास तो मौका है साहब, चुनाव में असल मुद्दे उठाइए, हरा दीजिए बीजेपी शिवसेना को, हिंदुत्व से क्यों तकलीफ है? देखिए विशाल जी, इन लोगों का वादा जो था 2014 से लेकर आज तक सिर्फ वादे वादे ही रह गए, ये लोग पूरा नहीं कर पाए। जब इनको आप सवाल करते हैं मूल मुद्दों पर तो ये या तो कश्मीर के बारे में बोलेंगे या तो पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे, जब इनको असल सवालों से आप घेरेंगे तो ये कहेंगे कि देखिए पाकिस्तान की भाषा बात कर रहे हैं, देश विरोधी भाषा बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, सीआरपीएफ के जवानों को खाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा सरकार से, आज सरकार देश को कंगाल बना दी है, कंगाल सरकार हो चुकी है। 1,75,000 करोड़ रुपये इन्होंने एक महीना एक पहले आरबीआई से उठाया था। 6 राज्यों के अंदर बाढ़ पीड़ित लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको कुछ तो एटलीस्ट इंटरिम रिलीफ का पैसा तो मिलेगा, लेकिन सरकार अभी तक उनको एक पैसा नया पैसा नहीं दिया। सरकारों ने पैसा दे दिया क्या? चंद्रयान की लैंडिंग से पहले प्रदेश में स्थिति ठीक थी, राजस्थान में क्या स्थिति थी, ये लोगों ने देखा वहां पैसा कितना मिला है, जरा आंकड़े दे सकते हैं आप मुझे? और सरकार कंगाल है ये जो आप बता रहे हैं, इसका डेटा दे सकते हैं? केंद्र सरकार की बात यहां मैं कर रहा हूं, केंद्र सरकार की बात यह है कि जब बाढ़, देखिए केंद्र सरकार को इंटरिम रिलीफ रिलीज करना पड़ता है, इनके टीम्स आए थे, देख करके गए थे, पूरे राज्यों का दौरा किया था। अब्दुल रजाक खान, इनको कम से कम आया कि नहीं आया, मुझे इसका प्रमाण तो दे दीजिए। वोट करते हैं उनके बारे में आप कह रहे हैं कि लोगों को इंटरिम रिलीफ नहीं मिला है, मुझे उसका कोई प्रमाण तो दे दीजिए कि नहीं मिला रिलीफ। अरे बिल्कुल नहीं मिला है 5-6 राज्यों से, मैं तो कर्नाटक से हूं, कल हमको 1,200 करोड़ मिले हैं, 80,000 करोड़ की आज भी जरूरत है, 7 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 2 लाख घरों को धक्का पहुंचा है,
मैं आपको तर्कों के साथ ही बता रहा हूँ, बिना तर्क के मैं बिल्कुल बात नहीं करता हूँ। चिंटू शेख, अलावा अब्दुल रजाक खान का कहना है कि हिंदुत्व तो मुद्दा ही नहीं है, हिंदुत्व तो मुद्दा ही नहीं है, आप असल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। चिंटू शेख देखिए, कांग्रेस एनसीपी पूरी तरह से भटक गई है। जिस तरीके से उनके पार्टी में भगदौड़ मची हुई है, वो डर रहे हैं, तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो उनको मुद्दा लेना है हिंदुत्व। हिंदुत्व बता सर, आप मैं बोलता हूँ की बात करिए ना सर, जो सवाल किया गया उस पर जवाब दीजिए ना सर। सब यार रहने वाले मुसलमान परेशान हो रहे हैं कांग्रेस से, एनसीपी से, मुद्दों का आपके पास कोई मुद्दा नहीं। हिंदू मुसलमान छोड़िए, जवाब दीजिए नहीं गए सरकार, मूल मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती पार्टी के पास कोई मूल मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती सरकार? जिस तरीके से जनता का हमको सपोर्ट मिल रहा है अब्दुल रजाक खान, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता आएगा मुद्दे उठाने के लिए, लेकिन इस बीच समझ में आता है कि राहुल गांधी तो विदेश चले गए। अध्यक्ष घुबरे बैंकों के महाराष्ट्र में, हरियाणा में जाकर राहुल गांधी प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए बाढ़ आई थी, राहत नहीं मिल रही है, राहुल गांधी तो विदेश चले गए। न सोनिया गांधी महाराष्ट्र में जाती है रैली करने, न प्रियंका जाती है, न राहुल गांधी जाते हैं। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस तो राहुल गांधी विदेश में खड़कर आप राहुल गांधी शरद पवार जी भटक गए। शरद पवार जी एक अगर आप कहते हैं कि सरकार मुद्दों पर जवाब नहीं देती है, तो मेरा सवाल है आपसे, कांग्रेस एनसीपी के बड़े नेता कहाँ हैं? पूरे पूरे जनता के बीच जाकर वो मुद्दे उठा क्यों नहीं रहे? महाराष्ट्र में जब चुनाव है तो बड़े बड़े नेता विदेश में क्यों हैं? खाना खाने का पैसा नहीं दिया जा रहा है। इम्पोर्ट पॉलिटिक्स जुलाई से अब तक तीन बार उनको रिमांड जी। अब्दुल रजाक जी, मैं आपसे चाहूंगा कि सवाल आपने उठाए, आप जरा चिंटू शेख को जवाब देने दीजिए। एक सेकंड ठीक है समीर चौगांवकर, ठीक है चिंटू शेख एक सेकंड। समीर चौगांवकर, एक तरफ महाराष्ट्र में संजय निरुपम कहते हैं कि राहुल गांधी के नजदीकियों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है, हरियाणा में तंवर साहब कहते हैं राहुल गांधी के नजदीकियों की राजनीतिक हत्या की जा रही है, ऐसे में राहुल गांधी विदेश भी चले जाते हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में कांग्रेस मुक्त करने में क्या कांग्रेस खुद ही लगी हुई है अपने आप को? बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र में और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की लुटिया डुबाएंगे, उसी प्रदेश के कांग्रेस के नेता ही। मुझे लग रहा है केंद्र का, कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसने भी कांग्रेस की लुटिया डुबाने में कोई अहम भूमिका अदा नहीं की है। आप देख सकते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस हिसाब से दुर्गति कांग्रेस की केंद्र में हुई थी, उसके बाद भी कांग्रेस ने सीखने का कोई काम नहीं किया, ना ही विपक्ष में एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाई। राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अपने अमेठी से चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, और 5 साल जो नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र में एक बेहतर प्रशासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, सबका साथ सबका विकास का काम किया है, मुझे लग रहा है उसको सीखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सीखने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि आज जो हिंदुत्व की बात करना चाह रहे हैं शरद पवार, महाराष्ट्र में 15 साल सत्ता में रहने के बाद और केंद्र में 2004 से 2014 तक सत्ता में रहने के बाद इस राष्ट्रवादी और कांग्रेस के गठबंधन ने सिवाय प्रदेश को और केंद्र में लूट के अलावा कोई काम नहीं किया। भाई भतीजावाद इन्होंने केंद्र और राज्य में चलाया, जनता के संसाधन और पैसों को उन्होंने लूटा है, और जब जनता ने उन्हें सबक सिखा के घर पे बिठा दिया तो 5 साल यहाँ महाराष्ट्र में कुछ भी निभाने के लायक नहीं रहे। सुन लीजिए पहले 5 साल में विपक्ष में रहते उन्होंने किस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस को घेरने का काम किया है? सिवाय महाराष्ट्र में इन्होंने मराठाओं की राजनीति करने का काम किया। आज महाराष्ट्र मराठा समाज भी इनके साथ नहीं है। आज ये हालत है राष्ट्रवादी कांग्रेस की और कांग्रेस की 125 सीटों पर इन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे लड़ने के लिए। पार्टी का हाईकमान बुला बुला कर कह रहा है कि आप चुनाव लड़िए, और पार्टी की जनता है वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में जो 40 और 41 सीटें राष्ट्रीय चुनाव लड़वाने के लिए मुद्दे उठाने के लिए नेता लोगों के बीच में नहीं है, मुद्दा मिल रहा है टारगेट करने के लिए तो सिर्फ हिंदुत्व का। ठीक है एक सेकंड समीर चौगांवकर, ठीक है सीमा शालिनी रखिए अपनी बात, सीमा मलिक जी बताएं, सीमा जी रखिए अपनी बात। कांग्रेस ने किस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस सरकार को घेरने का काम किया? ठीक है आप 5 साल में एक भी मुद्दा बता दीजिए जिसमें देवेंद्र फडणवीस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप रहा हो। हर मुद्दे पर किया है सर, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, जिस तरह से या किसान की आत्महत्या हो, जिस तरह से अर्थव्यवस्था का जो हाल है वह सब लोग जानते हैं। हर मुद्दों पर घेरा है हमने उन्हें,
हमने कभी हिंदुत्व के मुद्दे पर और इन चीजों पर हमने राजनीति नहीं करते। ये बयान किसका है कि हिंदुत्व का एजेंडा देश के लिए खतरा है? ये बयान किसका है? आप ही के एजेंडा का है। हिंदुत्व की राजनीति करती तो तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं को सम्मान किसने दिलवाया? मुस्लिम महिलाओं को सम्मान किसने दिलवाया? तीन तलाक मुद्दे को लाकर एक सेकेंड ठीक है श्वेता काली रुकी एक सेकेंड सीमा जी एक सेकेंड रुकी चिंटू शेख ठीक है एक सेकेंड रुकिए चिंटू शेख मेरा सवाल आपसे है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि बीजेपी के राम मॉब लिंचिंग वाले राम है चंदे वाले राम है शरद पवार कहते हैं हिंदुत्व का एजेंडा देश के लिए खतरा है सवाल ये उठता है कि चुनाव नजदीक आते ही भगवान राम को लेकर अभद्र बयान हिंदुत्व को लेकर देश से एलर्जी ये सारी चीजें चुनाव आते ही कैसे खड़ी हो जाती है कोई नहीं अभद्र बयान देता सर हम भी हिंदू हैं आपसे रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता सरकार के मंत्री उनके नेताओं का मानसिक संतुलन हो गया उन्होंने बड़े नेता उनके पास बड़े नेता बचे नहीं उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं तो मुद्दे लेना क्या है मुद्दों उनको मुद्दे की सोच ही नहीं है मुझे लगता है उनको कोई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाके उनके नेताओं को उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है नहीं है उनके पास कोई मुद्दे नहीं है छोटा सा ब्रेक आप ले रहे हैं आपका सवाल ये है कि अगर मुद्दे इतने हैं और बार बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि असल मुद्दों पर बीजेपी शिवसेना चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो सवाल ये है कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता आखिर लोगों के बीच क्यों नहीं जाते राहुल गांधी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी ये क्यों महाराष्ट्र में जनता के बीच नहीं है हरियाणा में जनता के बीच नहीं है क्यों ये वो सवाल नहीं उठा रहे हैं जो जनता के मुद्दे हैं इसके बजाय हिंदुत्व पर निशाना साधा जा रहा है या फिर बड़े बड़े नेता विदेश में हैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाली बातें सामने आ रही है महाराष्ट्र में चाहे संजय निरुपम हो चाहे हरियाणा में अशोक तंवर हो सीमा जी क्या कहते हैं वो लोग आपको इन पर गौर करना चाहिए दोनों नेताओं ने जो बातें कही है वो कॉमन है संजय निरुपम अशोक तंवर दोनों ये बात कहते हैं कि पिछले कई सालों से जो लोग ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कभी भी राज्यों में रहकर काम नहीं किया पांच साल बाद वो दिल्ली से आकर राज्यों के लिए फैसले करने लग जाते हैं और तीसरी बड़ी बात जो वो कहते हैं दोनों नेता कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच करने में दरअसल कांग्रेस ही लगी हुई है संजय निरुपम तो यहां तक कहते हैं तीन चार सीटें छोड़कर जमानत तक जब्त हो जाएगी यह स्थिति कांग्रेस के भीतर है और आप बात कर रहे हैं जनता के असल मुद्दों को उठाने की आपके बड़े बड़े नेता या विदेश में है या जनता के बीच कहीं नजर नहीं आ मुझे बात नहीं करनी चाहिए क्या असल मुद्दों को उठाने के देखिए आप मैं शायद आपने मेरे से सवाल पूछा है मैं जवाब देना चाहती हूँ आपको देखिए ये जो चीजें हैं एक तो मैं कांग्रेस में नहीं हूँ इसलिए मैं कांग्रेस की चीजों पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहती पर दूसरी बात ये है कि ये चीजें जो है ये थोड़ी बगावत और ये चीजें क्या हर पार्टीज में थोड़ी बहुत होती हैं तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ये चीजें नहीं है अभी आपके जो चार बड़े बड़े मंत्री और लेवल के नेता काफी हाई नेता हाई क्लास नेता आपके निकाले गए हैं तो उस समय भी विद्रोह देखने के लिए हमको मिला है जिस तरह से मिस्टर पराग की गाड़ी तोड़ी गई है और जिस तरह से सुनील राणे वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं तो ऐसा नहीं है तो हर जगह हर आदमी कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो वैसे तो मेरा देखिए मैं कांग्रेस के लिए बोलना नहीं चाहती कि क्यों राहुल गांधी जनता के बीच नहीं है प्रियंका जनता के बीच नहीं है सोनिया गांधी जनता के बीच नहीं है आप सवाल नहीं पूछते अपने गठबंधन के सहयोगियों से फोकस पार्टी है सर हम काम करने में बिलीव करते हैं हम काम करने में बिलीव करते हैं हम बेकार की बातों के लिए लोगों के दूसरों तो बड़े नेता अगर जनता के बीच में जाए तो क्या ये बेकार की बात है हम अलायंस में है वो नेता जो वोट मांगने के लिए आते हैं आज वो जनता के बीच नहीं है तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये बेकार की बात नहीं है जनता सवाल पूछेगी नहीं देखिए मैं आपसे ही सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक दूसरी पार्टी का मुद्दा है और अगर आप मेरी पार्टी के बारे में कोई सवाल करेंगे तो मैं आपको मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ही के पार्टी के नेता छोड़कर बीजेपी शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं हर पार्टी सब जानते हैं कि पिंपरी चिंचवाड़ में आपको लड़वाने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं
देखिए ये जो ऐसा लग रहा है सीमा जी से जवाब नहीं है आपके पास अपनी पार्टी को लेकर भी और आपके गठबंधन के सहयोगियों को लेकर भी। श्वेता शालिनी, ठीक है श्वेता शालिनी, आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भले ही हिंदुत्व से जुड़े हों लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग जनता के असल मुद्दे बोल रहे हैं वो जनता के बीच में क्यों नहीं है जनता के मुद्दे उठाने के लिए। कौन जनता के बीच में नहीं देखिए ऐसा नहीं है जनता के बीच हमारी में? पार्टी केवल मात्र विकास पे विश्वास केवल मात्र विकास ही रहती है। यदि आप हमारा एजेंडा देखेंगे हमारे मैनिफेस्टो देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हम केवल मात्र डेवलपमेंट के चारों ओर ही सीमित रहते हैं। हम अब अपना मैनिफेस्टो जब लेके आएंगे तो लेखा जोखा देंगे आप गत पीछे 5 सालों का, यहां तक कि हमारी सरकार सेंटर में 100 दिन की आई हुई उसका भी रिपोर्ट कार्ड हमने दिया है। एकमात्र ऐसी सेंटर की सरकार रही जिसने हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने दिया। यदि आप देखें तो हमारी सरकार ने कभी भी डेवलपमेंट विकास का मुद्दा छोड़कर किसी और के बारे में बात नहीं की। ये अन्य नेता है जो कास्ट के ऊपर कौन सी टोपी पहनते हैं उसके ऊपर और आप देश को हिंदुत्व के नाम पर अभी तो ऐसा है। चलिए ठीक है आप चैलेंज कर रहे हैं अब्दुल रजाक खान और लोगों ने श्वेता शालिनी अब्दुल रजाक खान को चैलेंज कर रहे हैं भैया विकास विकास करते हैं अपने विकास की लिस्ट गिनवा दीजिए महाराष्ट्र में क्या किया आपने। ठीक है एक सेकंड सीमा जी रुकिए बात कर रहे हैं श्वेता शालिनी 24 तारीख को क्या हिसाब जनता श्वेता शालिनी ठीक है जनता हिसाब कर देगी। जो सवाल अब्दुल रजाक खान ने उठाया वो ये है कि आप अपने विकास कार्यों की लिस्ट गिनवा दीजिए भाई अब्दुल रजाक खान को नजर नहीं आ रहे विकास के काम आप गिनवा दीजिए। चलिए ठीक है श्वेता शालिनी कर्नाटक से हैं विशाल जी अब्दुल जी कर्नाटक से हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कल ही सेंटर को 1200 करोड़ के लिए धन्यवाद दिया है और यदि आप देखें तो आज तक कर्नाटक में अभी चंद दिनों पहले ही हमारी सरकार आई है अभी तक 80,000 करोड़ की जरूरत है। यदि आप 1200 करोड़ में खाना भी नहीं दे सकते तो आप समझ जाएंगे और कहीं ना कहीं लोग बेघर बैठे हैं। सुनिए पहले साहब शुरुआत तो हुई। अरे अब्दुल रजाक खान अगर आप कर्नाटक में जाएंगे तो फिर मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि जो मुख्यमंत्री आपके थे वो तो जनता से ये कहते थे कि आपने मोदी को वोट दिया है काम मैं क्यों करूंगा। ये कर्नाटक की चर्चा नहीं हो रही अब्दुल रजाक खान, बात महाराष्ट्र की हो रही है, बात हरियाणा की हो रही है। जनता ने दे दिया है 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत आसान है हम विकास का दे रहे हैं और केवल मात्र विकास में हर आदमी विश्वास करता है पर उसके ऊपर राजनीति नहीं करता है। हरियाणा में आपके साथ शिरोमणि अकाली दल कहाँ है लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा पैरों पर गिर रहे थे विशाल जी अब्दुल जी को जवाब तो 2019 में महाराष्ट्र की ठीक है ठीक है ठीक दो सवाल आपने उठाए समीर चौगांवकर आपको जवाब देना चाह रहे हैं। समीर जी रखिए अपनी बात सीमा जी एक सेकंड रुकिए श्वेता जी रुकिए श्वेता जी जरा सुन लीजिए विशाल जी समीर चौगांवकर जी अब्दुल रज्जाक ने जो जवाब उठाया था मैं उनको जवाब दे दूं कि जनता ने इसका जवाब 2019 के लोकसभा चुनाव में दे दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें महाराष्ट्र में मिली थी वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है। इससे जवाब कांग्रेस को भी मिल गया और अब्दुल रज्जाक को भी मिल गया है। अगर महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस की सरकार अगर जनता के हित में काम नहीं करती तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिलती। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और आज आप देख लीजिएगा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के पास 10 विधायक भी नहीं रहेंगे। समीर जी श्वेता जी अरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे कौन बनेंगे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। जब सवाल पूछा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस बनेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इसे 3 बार साफ कह चुके हैं नहीं बनेंगे। जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। शेख जी से बुलवा दीजिए इस बार बड़ा भाई महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। 5 साल देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार मुक्त लोगों को शिवसेना से है जनता के सबसे बड़े हितेशी देवेंद्र फडणवीस। चलिए ठीक है अब्दुल रजाक खान भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चिंता तो वो लोग करते हैं ना जिनको जीतने की गारंटी होती है। मेरा तो सवाल आपसे था कि कांग्रेस के बड़े नेता विदेश में क्यों है आप उसका जवाब दे नहीं रहे। आपने तो मान ही लिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना
जीत रहे, मिलिंद देवड़ा नेता है, अब्दुल गफ्फर खान अपना मान लिया है ना बीजेपी शिवसेना महाराष्ट्र में जीत रहे, तभी आप उनसे पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपने हार स्वीकार कर लिया क्या? आपने उम्मीद भी छोड़ दी है कि कांग्रेस से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? जी आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस का महाराष्ट्र में नेता कौन है? के बारे में सोचिए, अशोक चव्हाण के बारे में सोचिए, एक एक करके ठीक है, एक एक करके अब्दुल रजाक खान, अब्दुल रजाक खान, चिंटू शेख से मैं बुलवा दूंगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक है श्वेता जी रुकिए, श्वेता जी एक सेकेंड, अब्दुल रजाक खान, क्या कांग्रेस ने ये उम्मीद ही छोड़ दी है कि उनके वहां से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? तभी आप सवाल पूछ रहे कि बीजेपी शिवसेना में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इन्हें आप स्वीकार कर चुके हैं चुनाव से पहले कि कांग्रेस का तो नहीं बनने वाला। देखिए विशाल जी, ये चुनौती का दौर है, हो गई उनकी हार, हो गई पार्टी चुनौती, हार हो गई विशाल जी, अब्दुल रजाक साहब को पूछना ही गलत है कि कांग्रेस ने हार कबूल कर ली है। देखिए हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है, हारना जीतना चुनाव का एक हिस्सा है, लेकिन बचा क्या है? प्रकट किया जा रहा है, ये अहंकारी बात है। इस धरती ने, इस जनता ने बड़े बड़े अहंकारी नेताओं को धूल चटाई है। सर ठीक है ना, तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि उन अहंकारी नेताओं को धूल चटाने के लिए राहुल गांधी जनता के बीच में क्यों नहीं है? राहुल जी, जब आपको 2014 के महाराज के सारे एक करके चिंटू शेख रखिए अपनी बात। विशाल जी, एक हरियाणा में अकाली दल कहाँ? विशाल जी मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस राष्ट्रवादी से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है? ये सवाल का जवाब दे अब्दुल रजाक साहब, मुझे आप जवाब दीजिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? चिंटू भाई, अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, आपके पार्टी से उम्मीदवार कौन है उसका जवाब दे दीजिए। रहेंगे मुझे तो लगता है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है कम से कम, आप तो ये हार मान चुके हैं कि आपका मुख्यमंत्री बनने वाला है। लीडर है, चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकिए, समीर चौगांवकर, क्या कांग्रेस पार्टी ने हार स्वीकार कर लिया महाराष्ट्र में? नजर आने लगा है कि हार जाएंगे, तभी ऐसा लग रहा है कि चलिए बीजेपी शिवसेना को लड़ा दीजिए कम से कम मुख्यमंत्री के नाम पे, हमारी तो दाल गल नहीं रही, इनके गठबंधन को कुछ बिगाड़ दें। बिल्कुल, पिछले 2014 के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, इस बार वह डर के मारे एक साथ आ गए, उन्हें मालूम है कि अगर वह साथ में नहीं लड़ेंगे तो उन्हें 5 सीटें भी नहीं मिलने वाली है, और साथ में मिलकर लड़ने के बाद भी वह ढाई का आंकड़ा नहीं छू सकते। मुझे लग रहा है कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, 2009 के लोकसभा चुनाव में 10 साल पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन आज 10 साल के बाद पार्टी के संगठन ने वह दिन रात मेहनत करी और आज 10 के 10 सीटें लोकसभा चुनाव में वहां उन्होंने जीती है। मुझे लग रहा है कांग्रेस न विपक्ष की भूमिका निभा पाई, न सत्ता में रहते हुए एक जनता के हित में कोई निर्णय ले सकी। मुझे लगता है कांग्रेस को सीखना चाहिए किस तीस तरह से संगठन में काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बेहद जरूरी है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस वक्त चुनाव है उस वक्त विपक्ष के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पर, यानी कि अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नजदीकियों की राजनीतिक हत्या हो रही है, ग्रास रूट से जुड़े हुए लोगों के लिए के साथ मशवरा नहीं किया जा रहा है, एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता विपक्ष के जनता के बीच ना होकर विदेश में नजर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, फौरन हाजिर होंगे।